हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम मस्कट के सबसे पॉपुलर बीच जिसका नाम है कुरुम बीच, उसका एक वॉकिंग टूर लेंगे। मेरे पिछले एपिसोड में आपने मस्कट के एक बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन जिसका नाम है वाटर फ्रंट मॉल, उसका एक छोटा सा टूर लिया था। और ये कुरुम बीच जो है ये आपका वाटर फ्रंट मॉल के एकदम पास में ही है। इनफैक्ट इस वाटर फ्रंट कॉम्प्लेक्स का एक साइड जो है वो इस कुरुम बीच को फेस करता है। तो आइए चलिए इस टूर को स्टार्ट करते हैं। अभी हम इस वाटर फ्रंट कॉम्प्लेक्स से निकल के कुरुम बीच का जो पार्क एरिया है उधर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने यहाँ पे मरीना कैफ़े है जो कि इस एरिया का बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर कैफ़े है। इनफैक्ट यहाँ से बैठ के आपका सामने का कुरुम बीच का व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है। और ये सामने आप कुरुम बीच का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। यहाँ से ये पार्क का एरिया शुरू हो रहा है और आज फ्राइडे है तो बहुत सारे लोग जो हैं फैमिली के साथ अपना यहाँ पे यू कैन सी कैंपिंग और पिकनिक करते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। वीकेंड्स पे स्पेशली इवनिंग टाइम में तो ये एरिया पूरा का पूरा क्राउडेड होता है। अभी फ़िलहाल लोग आना शुरू किए हैं क्योंकि सुबह के अभी कुछ 10:30 से 11 बज रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक्चुअली लोकल अथॉरिटीज़ यहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखती हैं और ये डस्टबिन्स वगैरह का प्रोविज़न आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ लोग पेट्स लेके भी घूम रहे हैं, हालांकि ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। सो देर आर सम एक्टिविटीज़ विच आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन दिस बीच, लाइक आप शीशा वगैरह नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, आप बारबेक्यू नहीं कर सकते हैं, पेट्स लेके नहीं आ सकते हैं, यू कैन नॉट ब्रिंग एनी मोटराइज्ड व्हीकल ऑन द बीच। ये सामने आपको एक पार्किंग का छोटा सा प्रोविजन दिखाई दे जाएगा। पार्किंग की बहुत सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। इनफैक्ट देर आर 3-4 पार्किंग स्लॉट्स। बीच काफ़ी बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने पार्किंग के काफ़ी प्रोविजंस दिए हुए हैं। ये राइट हैंड साइड में एक नया कैफ़े खुला हुआ है और एज यू कैन सी पेड़ के नीचे शेड्स वगैरह में प्रॉपर बैठने का भी प्रोविज़न है, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा भी पूरे बीच एरिया में बैठने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोविज़न दिया हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पे छोटे छोटे ये बेंचेस वगैरह भी हैं और ये एक छोटा सा दूसरा पार्किंग स्लॉट है। ये सामने जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं ये प्राइमरीली एम्बेसीज़ की बिल्डिंग्स हैं और ये बीच का व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पूरे बीच पे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया अभी बारबेक्यू, पेट्स वगैरह को लेके आना बीच पे इज़ नॉट अलाउड। ये सामने व्यू देखिए बीच का कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इट्स ए वेरी क्लीन बीच। एंड यू कैन सी कितने सारे लोग जो हैं बीच के साइड में ही बैठे हुए हैं अपना चेयर वगैरह लेके। कुछ लोग जो हैं सामने जाके पानी में भी खेल रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। बच्चों के लिए तो स्पेशली दिस बीच इज़ वेरी गुड। आइए चलिए आगे चलते हैं। कुरुम बीच की टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 4 किलोमीटर्स की है। सो 4 किलोमीटर लंबा बीच है ये। एंड यू कैन सी द वाटर इज सो काम एंड क्वाइट।
इनफैक्ट कुरुम बीच पे पानी जो है बहुत ही क्लियर है। इवन इस समय भी जो है यू कैन सी देर आर सम पीपल हु आर टेकिंग अ वॉक ऑन दिस बीच। ये जो पेवमेंट दिखाई दे रहा है ये प्राइमरीली वॉकिंग के लिए ही है, और साइड में देख सकते हैं आप ग्रास कितना अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वेयर इन यू कैन कम एंड सिट। यहाँ पेड़ों के नीचे छाँव में आपको काफ़ी सारी फैमिलीज एक रिलैक्स टाइम एंजॉय करते हुए दिखाई दे जाएंगी। पीक समर में यहाँ पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और धूप काफ़ी तेज़ होती है। अभी इस समय जनवरी का मंथ है तो मौसम काफ़ी सुहाना है इस समय, बट इवन समर टाइम में भी शाम के टाइम में यहाँ पे सनसेट बहुत ही अच्छा लगता है और एटमॉस्फेयर बहुत ही अमेजिंग होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आपको बैठ के एंजॉय करते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये ग्रीन कलर का ग्रास का पैच और साथ में कोकोनट ट्रीज ये आंखों को इतना सुकून देता है। दिस प्लेस लुक्स रियली अमेजिंग। और अभी तक यू मस्ट हैव रियलाइज कि कितना लंबा बीच है ये। अभी तक हमने इस बीच का सिर्फ आधा डिस्टेंस ही कवर किया है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक और कैफे है जिसका नाम है नाना कैफे। इसकी आउटडोर सीटिंग मुझे बहुत पसंद है और इसके साथ में यहाँ पे एक और पार्किंग का स्लॉट है, सो यू कैन ब्रिंग योर कार एंड कैन पार्क हियर एज वेल। फैमिलीज के लिए एक बहुत ही आइडियल स्पॉट है एक साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया का सेक्शन भी है, सो बच्चों को आप यहाँ पे छोड़ के आराम से बीच का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा पार्किंग स्लॉट है जस्ट फॉर फ्यू कार्स। हालांकि ये पूरा बीच जो है वो कुरुम बीच के नाम से जाना जाता है, बट ये पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे ये पूरा ग्रास पार्क है इसको शाती अल कुरुम बीच कहते हैं। मस्कट के बाकी सारे बीचेस के कंपैरिजन में ये बीच काफ़ी अलग है और काफ़ी सुंदर है। इनफैक्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बाकी के बीचेस के कंपैरिजन में इस बीच पे भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, स्पेशली इवनिंग टाइम में। अभी इस समय तो लो टाइड है तो पानी काफ़ी दूर तक है और बीच काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है, बट ड्यूरिंग द हाई टाइड पानी काफ़ी आगे तक आ जाता है। और अभी हम बीच का जो दूसरा मेन एंट्रेंस है उसके पास में आ गए हैं। ये एंट्रेंस आपका ग्रैंड हयात होटल है यहाँ पे, उसके एकदम पास में है। यहाँ पे ये दो फूड ट्रक्स के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको शाम को खाने पीने के कुछ ऑप्शंस जैसे स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे पार्किंग का एरिया काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट ये इस बीच की मेन पार्किंग है जहाँ पे कि काफ़ी कार पार्क करने का प्रोविजंस है, पर कभी कभी वीकेंड्स में यहाँ पे भी पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इस बीच का इकलौता वॉशरूम एरिया है और इसके एकदम बगल में ही यहाँ पे शावर का भी प्रोविजन है, सो आप बीच में जाके पानी में डिप लगा के
आराम से यहाँ पे आके शावर ले सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में ये बड़ा सा पार्किंग स्पेस आप देख सकते हैं। और ये जो छोटा सा कंस्ट्रक्टेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बट फिलहाल अभी ये बंद है। और ये राइट हैंड साइड में भी एक फेमस कैफ़े और शीशा बार है जिसका नाम है कैंडल कैफ़े। आज के टाइम में यहाँ भी कुछ खास सेल नहीं हो रही है एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड। बट इस कैफ़े की लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है, मुझे लगता है शायद इसको रिनोवेशन के बाद जो है फिर से ओपन करेंगे। ये सामने की तरफ ग्रैंड हयात होटल का कंपाउंड एरिया है। और आइए यहाँ पे बीच को थोड़ा सा पास से देखते हैं। और ये कैंडल कैफे के सामने का व्यू है। आइए अभी अब बीच में आगे की तरफ चलते हैं। ये सामने ग्रैंड हयात की बाउंड्री वॉल है बीच को फेस करते हुए। और ये ग्रैंड हयात होटल का बीच फेसिंग व्यू है। होटल के ऑलमोस्ट सारे रूम से बीच का एक बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। ये होटल मस्कट के फेमस बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज में से एक है। वो सामने की तरफ होटल का बीच साइड का एग्जिट है, सो होटल गेस्ट के लिए बीच बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। बीच के इस साइड में कंपैरेटिवली आपको थोड़ी सी कम भीड़ दिखाई देगी, बट स्विमिंग के लिए ये एरिया काफ़ी अच्छा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, सुबह और शाम को इस हरी घास के ऊपर नंगे पैर चलने का आनंद ही कुछ और है। बट ओमान की गवर्नमेंट ने इस शहर को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा किया है और ये जगह इस बात का एक जीता जाता उदाहरण है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं एक तरीके का रेगिस्तान ही है ओमान, बट यहाँ पे भी उन्होंने इतने अच्छे से ग्रीनरी वगैरह का प्रोविज़न दिया हुआ है। और ये सब कुछ यहाँ पे मैन मेड है। जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसे विला में रहने का एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट होगा, जिसमें आप हर दिन सुबह उठने के साथ ही इतना खूबसूरत व्यू आपको सामने दिखाई देगा।
आइए चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम इस बीच के ऑलमोस्ट एंड पार्ट तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ भी आपको कुछ और बड़े ही खूबसूरत और काफ़ी बड़े साइज़ के विला दिखाई दे जाएंगे। और ये विला का जो बैक साइड एंट्रेंस है, जो कोर्टयार्ड से है, वो बीच पे खुलता है। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता होगा इन विला में रहने का। पर सरप्राइजिंग बात ये है कि ये विला मैक्सिमम टाइम मैंने खाली ही देखा है। बहुत कम टाइम में ही यहाँ पे मुझे लोग दिखाई दिए हैं। आई गेस मैक्सिमम टाइम यहाँ इनके ओनर्स जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में ही रहते हैं और बहुत रेयरली यहाँ पे विज़िट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं जो कि इन बड़े बड़े विला का देखभाल करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा ओपन जिम भी है। जिस तरीके से अथॉरिटीज़ ने इस पार्क को और इस बीच को मेंटेन किया हुआ है, सच में इट्स वेरी इम्प्रेसिव। और अब हम बीच के एंड पार्ट में पहुंच गए हैं। हालांकि बीच ये अभी थोड़ा और आगे तक जा रहा है, बट ये जो पेवमेंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सामने एक बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, ये बेसिकली इसका एंड है। और वो सामने की तरफ आप पहाड़ों का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। सो जो भी लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं वो यूजली इस बिल्डिंग तक आके यहाँ से वापस रिटर्न कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वॉकिंग टूर इस बीच का पसंद आया होगा। इस वीडियो को अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं।